हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट्स में आपके सामने पढ़ाने वाला हूं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, उसके ऊपर प्रूफ, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन, वो मैं आज आपके सामने बताऊंगा। इसमें आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम बता दिया है, प्लस लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रियल आंसर्स पे, वो सब आप यहां पे आईटी पे जाके देख लीजिए। पर हाँ, इसको समझने से पहले रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसी से आगे का ये कॉन्सेप्ट है, राइट। तो वो भी आप आईटी पे जाके देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना आए। तो सुन, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान दीजिए। ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और वो क्लोज इंटरवेल ए बी के अंदर कंटिन्यूअस है एंड ओपन इंटरवेल में डिफरेंशियबल है, तब यहां पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होती है उसमें एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता है, राइट। पर अगर यहां ये दोनों बराबर ना हो तो उस वाले केस में हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यूज करते हैं। तो ये क्या बोलती है, द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, इफ एफ एक्स इज फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल एक्स सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवेल, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवेल and f a is not equal to f b obviously, then there exists c belongs to a b such that f dash c is equal to f b minus f a upon b minus a होता है। अगर by chance ये दोनों बराबर हो जाए, by chance बराबर हो जाए, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो उस वाले केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि बराबर हो गया तो उस वाले केस में f b minus f a की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, जीरो हो जाएगी, राइट, है ना। तो ये अपने आप लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में, सॉरी रोल्स थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस कंडीशन में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम होती है, तो जब फंक्शन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता है तो ये हमारे पास लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम बन जाती है, राइट। अब इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है और ईजी है, कुछ नहीं है। तो सुन देखो कैसे करेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात बताता हूं। गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, वी नो दैट एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, सो वी डिफाइन अ फंक्शन एफ एक्स, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ये वाला, राइट, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ये वाला, राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस ए एक्स, राइट। अब इसमें आप समझने की कोशिश करें, चूंकि हम यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये एक पोलिनोमल टाइप का है और फंक्शन कंटिन्यूस है और एक्स भी हमारे पास एक पोलिनोमल टाइप का है तो ये भी कंटिन्यूस होगा, तो इसमें ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा और ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल होगा, राइट। तो हम इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स थ्योरम में हम ये चेक करेंगे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट जो एंड पॉइंट है इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, बराबर है, मतलब हम ये लेंगे कि एफ ए इज इक्वल टू क्या लें, हम एफ बी लें, राइट। तो हम जहां पर भी एक्स है वहां पे ए रखते हैं, तो सुनिए कितना आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल एफ ए प्लस ये आएगा हमारे पास ए ए इज इक्वल टू क्या आएगा, सुनिए यहां पे ये एफ बी, ये आएगा हमारे पास ए बी, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सुनिए यहां से हम इसकी ए की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो मैं इसको उधर ले जाता हूं और इसको उधर ले जाता हूं, राइट। तो ए ये टर्म इधर आएगी तो यहां से ए कॉमन आ जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा और मैं उसको उधर लेके जाता हूं, तो सुनिए यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको मैं डिवाइड करता हूं तो चूंकि यहां से माइनस कॉमन निकाल देता हूं तो माइनस का ये हो जाएगा बी माइनस ए और ये हो जाएगा हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए, क्लियर है। तो सुन यहां जो माइनस ए की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सुन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाएगी बाय द रोल्स थ्योरम। अब सुनिए, अब मैंने आपको बोला कि जब भी हमारे पास ऐसा होता है ना, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा, देन देयर एग्जिस्ट, हम बोलते हैं देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवेल ए बी सच दैट क्या होता है, सुन एफ डे सी इज इक्वल टू जीरो होता है, राइट। तो सुन यहां पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ए हो जाएगा, राइट। अब हमें तो सी रखना है, ऐसा सी पॉइंट है तो जहां पर भी एक्स वहां सी रखेंगे तो सुनिए आएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू स्मॉल एफ डैश सी प्लस ए हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, चूंकि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी, राइट। हम जानते हैं एफ डे सी किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, इसका मतलब ये जीरो के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब स्मॉल एफ डे सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें माइनस ए हो जाएगा। अरे भाई, इसको जीरो रखोगे तो ए उधर गया, तो एफ डे सी इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस ए की वैल्यू ये आ गई, तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, एफ डे सी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रखेंगे हम तो ये कितना आएगा, इसमें एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस है। तो इस तरह से इस थ्योरम का हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, यही थ्योरम हमारे पास बोलती है, राइट। तो इसी का प्रूफ मैंने समझा रखा है, तो सुन देखिए यहाँ पे ये हमने लिया, देन हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, माइनस ए की वैल्यू ये आएगी, राइट।
तो फिर हमने बोला कि ऐसा सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर जिसमें एफ डी सी की वैल्यू जीरो होगी, इसमें आप इसका डेरिवेटिव लेंगे और जहां पर भी एक्स वहां सी रखेंगे और इसको जीरो के बराबर रख देंगे। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास माइनस ए इज इक्वल टू एफ सी आ जाएगा और माइनस ए की वैल्यू हमने रख दी तो हमारे पास एफ डी सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करते हैं, राइट। अब इस पर इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो समझने की जरूरत है। जो मैंने आपको बोला था रोल्स थ्योरम है, तो रोल्स थ्योरम में होता क्या है स्टूडेंट समझिए, रोल्स थ्योरम में क्या होता है ध्यान दीजिए। रोल्स थ्योरम में हमारे पास मैंने ऐसा लिया था या ऊपर भी ले सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये ए पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास बी पॉइंट है, राइट, ये बी पॉइंट है, तो दोनों पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, ये दोनों बराबर था, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी था, राइट। तो एक ऐसा सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा है ना जिसपे इसकी टेंजेंट खींचेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो उस पॉइंट पर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब मान लीजिए कि दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आ रही, अलग अलग आ रही है ना, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, राइट, है ना। अब हम ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं ले पाएंगे, मतलब जहाँ पर इसकी जो टेंजेंट, लाइक एक पॉइंट ऐसा लेते हैं जहाँ पर इसके टेंजेंट खींचते हैं हम, तो मान लीजिए इसकी टेंजेंट ये आ रही, राइट, है ना, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं ली हमने, राइट, है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, ए एफ ए और बी एफ बी आएगा। तो हम अगर यहाँ पे स्लोप का फार्मूला जानते हैं तो इसमें स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करें डी वाई बाई डी एक्स या एफ डे सी की वैल्यू बात करें तो इसमें यहाँ पे हमारे पास होता था वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, याद ही हमारे पास फार्मूला होता है स्लोप का डी वाई बाई डी एक्स का, है ना, हम उसमें पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर। तो इसमें वाई टू यहाँ पे क्या है हमारे पास एफ बी है ना, ये कोऑर्डिनेट है, तो एफ बी माइनस एफ ए, राइट, डिवाइडेड बाय बी माइनस एफ ए। तो इस तरह से हमारे पास एफ डी सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ एफ बी माइनस ए इस तरह से निकलता है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, राइट। और अगर बाई चांस दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही तो उस वाले केस में एफ डी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको हम सॉल्व करते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके ऊपर कुछ बेस्ट क्वेश्चंस पे। तो आपसे पूछा जा रहा कि वेरीफाई लैग्रांज थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर इन द इंटरवल टू कोमा फोर। तो इसमें यहाँ पर हम जानते हैं एफ एक्स कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशियबल है, राइट, क्योंकि कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल होगा ये फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर में, किसी पॉइंट पर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ये डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा, राइट। अब हम क्या करते हैं, अगर ये कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल है तो हम इसका, चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एफ टू की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें एफ फोर के बराबर नहीं आ रही है, राइट, द एफ टू इज नॉट इक्वल टू एफ फोर, दोनों बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। हम जानते हैं कि इसका जो अगर ऐसा हो रहा है कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल है तो इसमें देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, है ना, मतलब टू कोमा फोर, सच दैट मैंने आपको बोला था कि एफ डे सी जो होगा वो क्या होगा, एफ बी माइनस एफ एफ ऑन बी माइनस है, तो एफ बी, तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, एफ फोर माइनस एफ टू डिवाइडेड बाय क्या होगा सुनिया पे 4 माइनस टू हो जाएगा, राइट। तो सुनिया क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डे एक्स, है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ये आएगा हमारे पास, और यहाँ पे जहाँ पर भी x वहाँ क्या रखेंगे हम c रखेंगे, क्या रखेंगे c, तो सुनिया आएगा ये c अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस फोर, राइट, इज इक्वल टू, इसमें जहाँ पर भी एक्स वहाँ फोर रखते हैं, है ना, तो फोर रखेंगे तो कितना आएगा, इसमें 16 में से 4 गया तो 12, तो रूट ट्वेल्व हो जाएगा ये, है ना, ये क्या आएगा रूट ट्वेल्व हो जाएगा, माइनस इसमें टू रखेंगे तो ये जीरो हो रहा है, डिवाइडेड बाय फोर माइनस टू, तो ये कितना रेस्टूडेंट हमारे पास टू आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट, है ना, टू आ रहा है। अब इसमें इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, तो इसमें ये कितना आएगा हमारे पास सी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो इसमें फोर रूट थ्री, तो ये रूट थ्री आ जाएगा हमारे पास, है ना, इसमें ये रूट थ्री आ जाएगा क्योंकि चार ट्वेल्व को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें टू रूट थ्री लिख सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट ये टू से टू कैंसिल होगा तो रूट थ्री हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सी इज इक्वल टू ये होगा हमारे पास रूट थ्री एंड अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस फोर, स्टूडेंट दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो तो ये आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर माइनस फोर, राइट। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर माइनस का ट्वेल्व, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस का टू सी स्क्वायर, तो माइनस का टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ट्वेल्व, तो स्टूडेंट सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा सिक्स आ जाएगा, है ना, क्योंकि टू सी सिक्स आ जाएगा, तो सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट रूट सिक्स हो जाएगा, राइट। प्लस माइनस आएगा पर हमें तो प्लस लेना है क्योंकि इसके अंदर तो रूट सिक्स की जो वैल्यू होती है वो टू और कोमा के टू कोमा फोर के बीच में लाई करती है, इट मीन्स यहाँ पे रोल्स लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है वेरीफाई, तो मैंने यही समझा रखा है स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, ये बिल्कुल वो की भी कहानी समझा रखी है, और यहाँ पे रूट सिक्स आ रहा तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे क्या होती है वेरीफाई होती है। स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें ये आता है, ये कभी कभी एग्जाम में प्रूफ पूछ लिया जाता है कि प्रूव बाय द मीन वैल्यू थ्योरम 1 प्लस एक्स लेस देन ई की पावर एक्स लेस देन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स, है ना, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। तो सुन हम जानते हैं कि आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे पूछा गया, सबसे हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये 1 आएगा और ई की पावर 0 1 होता रही है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, राइट, है ना, तो ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, राइट,
तो भाई मीन वैल्यू थ्योरम हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बीच वाले को आप फंक्शन मान लो, राइट, तो e की पावर x को हमने यहाँ पे क्या ले लिया, फंक्शन ले लिया एफ एक्स, है ना, और हम चेक करेंगे 0 टू x पे, है ना, तो हम जानते हैं e की पावर x डिफरेंशियबल भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है, और 0 पे इसकी जो वैल्यू हो रही है, मतलब एफ जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स आ रहा, मतलब यहाँ पे रोल्स थ्योरम तो अप्लाई नहीं हो सकते, राइट, तो हमारे पास जो थ्योरम होगी, हम एक पॉइंट ऐसा जाई एग्जिस्ट करेगा, है ना, क्या होगा, सुनिए, एक ऐसा पॉइंट जाई, देर एग्जिस्ट जाई बिलोंग्स टू, यहाँ पे 0 टू x ले लेंगे हम, है ना, सच दैट, है ना, सच दैट क्या होगा स्विन, एफ डेज जाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो हो जाएगा, राइट, ये एफ बी माइनस एफ है, राइट, तो सुनिए हो जाएगा, अब इसका डेफिनेशन, अब e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो सुन, हम जानते हैं इसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डेश एक्स होगा वो e की पावर x ही होगा, और जहां पर भी x वहां जाई रख दो, तो सुनिए क्या आएगा, e की पावर जाई इज इक्वल टू, सुनिए एफ एक्स माइनस एफ जीरो, तो ये आएगा एफ एक्स की वैल्यू e की पावर x है और e की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है अपॉन x हो जाएगा, तो सुनिए यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन मिल जाएगा। अब आपको समझने की जरूरत है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब हम जानते हैं यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है कि जो जाई है, ध्यान दीजिएगा, जाई जो है वो जीरो और एक्स के बीच में लाई कर रहा है ना, जीरो और एक्स के बीच में लाई कर रहा है, हम जानते हैं ये रिलेशन, राइट, अब हम क्या करेंगे, स्विन तीनों में ई की पावर जीरो ले लिया है ना, ई की पावर ले लिया, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये तीनों को ई की पावर में लिख दिया, तो ये रिलेशन यहाँ भी ट्रू होगा, क्लियर है, है ना, इसमें e की पावर 0 1 होता है, लेस देन e की पावर जाई लेस देन e की पावर एक्स, और e की पावर जाई की वैल्यू सुनिए होगी, ये उठा के हम यहाँ रख देंगे, राइट, है ना, तो सुनिए वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 लेस देन, ये आएगा हमारे पास e की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन e की पावर एक्स हो जाएगा, राइट, इसमें दोनों तरफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा एक्स लेस देन e की पावर x माइनस 1 और ये आएगा x e की पावर x, अब सब में 1 1 ऐड कर दो, जब 1 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस x, और यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसमें इजीली इस तरह से हम इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, तो वही किया मैंने यहाँ पे, नया कुछ नहीं किया, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये e की पावर जाइए है ना, देन स्टूडेंट यहाँ पे मैंने वही लिया, यहाँ पे e की पावर जाइए, हमने थ्योरम लगा दी, अपडेट c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना, तो वही एफ बी माइनस एफ एफ ऑन बी माइनस ये आ जाएगा, देन हमने ये रिलेशन लिया जीरो जाई जो है वो जीरो और एक्स के बीच में, है ना, क्योंकि जाई बिलोंग्स टू जीरो टू एक्स है, तो दोनों e की पावर मिलेंगे हम जानते हैं e की पावर 0 1 होता है, e की पावर जाई e की पावर x हो जाएगा, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे हम e की पावर जाई की वैल्यू उठा के ये e की पावर x माइनस 1 रख दी, ये वाली वैल्यू है ना, देन इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब 1 को ऐड करेंगे, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, राइट, सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी और बहुत इजी थ्योरम है, आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। सो स्टूडेंट लास्ट में मेरी वीडियोस है, ये जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है फॉर CSIR नेट और गेट एग्जाम, और स्टूडेंट ये मेरा रियलिस का पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं, ये दोनों मेरे चैनल है, स्टूडेंट मेरा नया चैनल जिसमें मैं एप्टीट्यूड पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा नया चैनल पुराना चैनल जहाँ पर मैं हायर मैथ्स की वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, सो थैंक यू सो मच, और कैसे लग रहे वीडियोज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।